हेलो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं अगर हम एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं पर मंथ, तो कौन से म्यूचुअल फंड हमारे लिए अच्छे होंगे और साथ ही हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन है 10 इयर्स या मे बी लॉन्गर देन 10 इयर्स। दोस्तों ये क्वेरीज काफी के मन में होते हैं कि अगर मैं मिनिमम, मैं आज लेती हूँ ₹3000, तो अगर मैं 3000 मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ एक लॉन्गर पीरियड के लिए से 10 इयर्स, तो कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे होंगे। चलिए बातें करते हैं कौन से फंड अच्छे होंगे। साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अर्ली एज में अपने इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो ये काफी अच्छी बात है, बिकॉज अभी के इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में काफी बेहतर रिटर्न देते हैं। चलिए जानते हैं वे कौन से फंड्स हैं जिनमें हम ये 3000 इन्वेस्टमेंट पे जा सकते हैं पर मंथ। बट दोस्तों एक और चीज, आप कभी भी अपने पूरे अमाउंट जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कभी भी एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट पे ना जाएं, हमेशा अपने अमाउंट को स्प्लिट करें, अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट करें। तो जो पहला फंड आप जरूर जाएं वो है इंडेक्स फंड ट्रैकिंग निफ्टी 50। दोस्तों इंडेक्स फंड के काफी बेनिफिट्स हैं, मैंने पिछले वीडियोस में बातें की हैं, आप जरूर उसे देखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है, साथ ही एक बेहतर रिटर्न भी देता है। जो सेकेंड फंड है वो है मिड कैप फंड, एंड जो थर्ड फंड है वो है इंटरनेशनल फंड। ये तीनों फंड में आप ₹1000 ईच इन्वेस्टमेंट पे जाए पर मंथ, और क्योंकि ये आपका लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजन है, एक इन्वेस्टमेंट होराइजन काफी लॉन्ग है आपका, तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। आप जरूर मुझे बताइएगा एक टाइम पे कमेंट करके कि क्या ये वीडियो आपको बेनिफिट दिए, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल रहे, जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर एनी बिजनेस क्वेरी आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक छोटा सा थम्स अप दीजिएगा, एंड प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।